रोहिणी स्थित हैदरपुर वाटर प्लांट में सिक्किम पुलिस के जवान ने अपने 3 साथी जवानों को गोली मारी, 2 की मौके पर ही मौत हुई है। 1 घायल को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे भी मृत घोषित किया। आरोपी जवान को पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल आपसी झगड़े को बताया जा रहा है वजह। हैदरपुर प्लांट के अंदर बने बैरक में 3 को मारी गोली। आरोपी लॉन्स नायक प्रवीण राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली के एन कार्डजू थाना इलाके के हैदरपुर वाटर प्लांट के अंदर बने हुए बैरक में आज सिक्किम पुलिस के जवान ने अपने ही 3 साथियों पर गोली चला दी, जिसमें 2 पुलिस के जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हमले में 1 घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। चारों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी हैदरपुर वाटर प्लांट पर ही थी। ये सभी बैरक के अंदर बैठे हुए थे और कुछ बातचीत कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को गोली मारी गई वह सिविल ड्रेस में थे। दोपहर 3 बजे के करीब अचानक पुलिसकर्मियों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और ये मामला आपसी झगड़े में बदल गया, जिसमें सिक्किम पुलिस के लॉन्स नायक प्रवीण राय ने अपने 3 पुलिसकर्मी साथियों पर गोली चला दी। मृतकों की पहचान कमांडर पिंटू नामग्याल भूटिया, कांस्टेबल धनहिंग सुब्बा और कांस्टेबल इंदरलाल छत्रिय के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जिसमें लॉन्स नायक प्रवीण राय ने अपने ही साथी पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। अशोक जी, क्या पता लगा आपको? और यहीं काम करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ही आप? काम करता हूँ। क्या पता लगा आपको, ये बताएं? मेरे को अभी पता लगा कि एक फौजी ने गोली मारा। तो यहीं पर वो जो फौजी थे वो यहाँ क्या करते हैं, ये बताएं? ये तो आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल कंपनी। तो आपको पता नहीं लगा इतना बड़ा हादसा हो गया है? मेरे को नहीं पता, मैं इधर काम कर रहा हूं। बैरक कितनी दूर हो गए अंदर यहाँ से गेट से, जहाँ पे हादसा हुआ है? ठीक। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।